तो चलिए आगे हम लोग ये परसेंट के बारे में बात करेंगे कि ये परसेंट है क्या और इसको कैसे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि परसेंट जो है 100 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब भी हम लोग परसेंट बोलते हैं इट मींस इट टॉकिंग अबाउट 100। जैसे एग्जांपल के लिए 5% बोलते हैं अपन, तो 5% का मतलब यह है कि 5 जो है 100 में से 5, 10% 100 में से 10, ठीक है। तो ये अभी अच्छा, ये एक और चीज है, थोड़ा सा अगर पीछे उसको और कॉन्सेप्ट में समझना चाहेंगे तो ये एक बहुत बिगनर जो होगा उसको ये क्वेश्चन आ सकती है दिमाग में कि हम लोग परसेंट क्यों यूज करते हैं। तो परसेंट इसलिए यूज करते हैं कि जब बड़े बड़े क्वांटिटी में हम किसी चीज़ को डील करते हैं या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम उतना बड़ा नंबर नहीं बता सकते। जैसे मान लो कि एक पौंड है, पौंड में अगर बहुत सारी मछली है, ठीक है, तो उसमें से मान लो कि कुछ मछली खराब है, ठीक है, तब मछली का नंबर गिन करके आप नहीं बताएंगे कितने मछली खराब है। तो एक टेंटेटिव एक आइडिया लगता है कि हाँ 50% खराब है या जो मर चुकी है या 40% है 30% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 मछली तालाब में है तो 30 मछली जो है वो खराब हो चुकी है या मर चुकी है। 50% बोलते हैं तो मतलब अगर उसमें से 100 मछली है तो 50 मछली जो है मर चुकी है। तो अब मान लो कि ये परसेंट जो बोलते हैं ये एक आइडिया देता है। तो मान लो कि उसमें अगर 1,00,000 मछली है और अपन बोलते हैं कि 50% खराब है इसमें से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 50 खराब है, ठीक है, तो इस हिसाब से 1,00,000 में कितना होगा। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि आधा खराब है, 100 में से 50 खराब है मतलब आधा खराब है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है। ये समझना जरूरी है कि इसको कैलकुलेट करना कैसे रहता है, बहुत इजीली कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, अस्सी जो है एटी इज 1% ऑफ 40। अब इसको अगर हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो 80 जो है 40 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 80 40 का 40% है, अभी मान लो कि लेट अस अस्यूम एक्स परसेंट है जैसे मैंने ऊपर लिखा है ये यहां पे। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, 40 का एक्स परसेंट इक्वल टू 80। अब इस का जो है ये यही ट्रिक है, जो का जहां पे आ रहा है उसके जगह पे आपको गुणे का एक साइन डालना है, ठीक है, एक्स वहीं पे रहेगा, 100 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 80। अब आपको ये इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है, तो मान लो कि एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 इधर जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, 42 times 80 100 × 2 कितना हो गया 200। तो 80 जो है 40 का 200% है, ठीक है,
अभी ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते, ठीक है। अभी हम लोग परसेंट अगर दिया हुआ है, अभी एक नंबर दिया हुआ है, तो तीसरा आपको निकालना है। तो इसमें ऐसा रहेगा कि 100 का 30% कितना होगा, 100। फिर आपको इक्वेशन लिखना है सीधा सीधा, 100 × 30, ये परसेंट है, तो परसेंट जो है आप ध्यान में रखो, ये ऑलवेज डिनोमिनेटर में आता है, भागा में आ जाता है। मान लो एक्स है, ठीक है, 100 का 30% एक्स है, तो मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आपको एक्स के लिए, ठीक है। तो ये कट गया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक हजार का 20% कितना होगा, 1000 × 20 / 100, मान लो एक्स है। अब इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है, तो 1000 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 times, सो 10 × 20 कितना हो गया, 200 आंसर। तो अब ये किसी भी चीज़ को ना, कहीं भी अगर परसेंट आता है आपको कोई निकालने के लिए, तो आप सीधा ये सिंपल इक्वेशन में डाल दो आप, और उसको कहा जहाँ पे आता है ना कि इतना 40 का इतना परसेंट इतना होगा, कितना होगा, तो जहाँ पे का या ऑफ आता है, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो व्हाट इज द व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 80, ओके। तो ऑफ या तो इंग्लिश में ऑफ आएगा या हिंदी में का आएगा, ठीक है। अब उसके जगह पर केवल आपको गुणा करना है और इक्वेशन लिख लेना है और उसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है, ये इतना सिंपल है, ठीक है। तो अभी जब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सेम चीज है, ठीक है। मान लो कि एक बॉक्स है, बॉक्स में 1200 आम है, कोई बोलता है कि 5% इसमें से आम जो है वो खराब है टोटल, तो आपको पता है 5% जो है मतलब 100 में 5 खराब है, ठीक है। तो 1200 का 5% आपको निकालना है, फिर यहाँ भी कहा आ गया, तो आपको क्या लिखना है, 1200 का 5% इक्वल टू, मान लो कि एक्स है टोटल, एक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रॉटन मैंगो, ठीक है। 1200 का के जगह पे गुणा आ जाएगा 5 के और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू एक्स। अब एक्स के लिए उसको सॉल्व कर लो, ट्वेल्व 5 times 60 60, सो ये इतना इजी है, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। आपको सिंपल एक इक्वेशन बना लेना है, तीन चीज रहेगा उसमें, ठीक है। एक को आप जिसको जिस जो अननोन है उसको आप एक्स मान लो, जिसका परसेंट निकालना है उसके आगे का जोड़ो, ठीक है, और क्या के जगह पे गुणा लगा दो, और वो जो अननोन है उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी एक और चीज आती है, अब सुनते होगे एवरीडे कि आज
किसी चीज का प्राइस 10% बढ़ गया या 20% कम हो गया, ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर आम का प्राइस जो था आज, सॉरी, आम का जो प्राइस है आज 150 रुपये पर केजी है, और कल जो था वो 80 रुपये था, तो कितना परसेंट प्राइस जो है बढ़ा? अब प्राइस कितना बढ़ा? 80 से 150 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस 150 माइनस 80 कितना हो गया? ये 70, राइट। यस, 70। अब परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अभी 100 में कितना बढ़ा, ठीक है। अब ये 70 जो इंक्रीज हुआ है वो किस पे इंक्रीज हुआ है? 80 पे। बेस जो इसका था 80 था पहले, 80 के बाद में ये 70 रुपये बढ़ करके 150 हो गया, ठीक है। तो 70 / 80, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पर यूनिट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पर यूनिट। प्राइस इंक्रीज पर यूनिट ऑफ बेस प्राइस, ठीक है। अभी 100 में कितना ये होगा? तो 70 / 80 इसको गुना कर दो 100 से, अब ये कुछ कितना आएगा? 87.5%। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि नंबर में थोड़ा बहुत ही गड़बड़ कुछ गड़बड़ हो सके या गलती हो सके, तो आप वेरीफाई कर लेना इसको। मुझे लगता है कि होना तो नहीं चाहिए। ये सही है। अभी सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसको अगर प्राइस बढ़ गया, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम जब बोलते हैं कि इतना परसेंट बढ़ गया और इतना परसेंट घट गया, ठीक है, तो जब हम परसेंट निकालते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होती है कि हम डिवाइड किससे करें। जैसे मान लो कि ऊपर वाला केस में था कि 150 - 80 है, तो समझ में आ गया कितना बढ़ गया। अभी कितना परसेंट बढ़ा ये, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड किससे करना है? अगर रेफरेंस, ये रेफरेंस क्या है, यहाँ पे रेफरेंस जो है 80 है, क्योंकि पहले 80 था, ठीक है, तो इसलिए 80 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। अगर कल प्राइस जो है 150 होता, आज 80 हो जाता, तो क्या बोलते, कितना परसेंट ये कम हुआ, ठीक है। तो 150 - 80
अभी यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें से कितना परसेंट कम हुआ, तो पहले जो बेस है इसका वो 150 है, तो इसको हम 150 से डिवाइड करेंगे अब इनटू 100। ठीक है, ये सिंपल एक इक्वेशन है, इसमें लिख लो आप, इसको सॉल्व कर लो। जो भी आएगा इसका आंसर है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।